दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL का, वुमेन्स IPL का पहले मैच का जो हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या सीनियर जो रहने वाला है। तो पहला मैच आप देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा, पहला मैच जो है वो आपको गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में जो है वो होने वाला है। तो दोनों टीमें किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, क्या सीनियर रहेगा, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना, तभी जो आपको ये कम्प्लीट एनालिसिस, चाहे आप टीम 11 के लिए देख रहे हो या फिर प्रेडिक्शन के लिए देख रहे हो, तो ये सारे एनालिसिस तभी आपको समझ में आएगा जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखोगे। तो आप सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मैच के बारे में। तो आप देखोगे तो ये जो है आपको 4 मार्च को देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होने वाला है वो होने वाला है 7:30 इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से। तो इसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे लेके चलना है। और डीम 11 टीम हम लोग जो है वो अभी एनालिसिस करेंगे किस तरीके से सीनरी आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे ना तो आपको देखने मिलेगा कि अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो, तो अगर आप प्रेडिक्शन के लिए जुड़ रहे हो, चाहे विनर सेशन एंट्री है, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पे जुड़ जाना। साथ में आप जो है टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगा। और अगर आप टीम 11 के लिए जुड़ रहे हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, और साथ में आप टेलीग्राम पे जो है स्क्वाडिंग 11 सर्च करके जुड़ सकते हो और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब हम जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं इस मैच के बारे में, देखो ग्राउंड जो है, ग्राउंड में आप देखोगे ना तो ये DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम मुंबई में जो है वो होने वाला है। और ये किस तरीके से ग्राउंड हो सकता है, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग इस ग्राउंड की बात करते हैं तो ये देखने को मिलेगा कि आपको एक तरीके से जो है ये फ्लैट ग्राउंड देखने को मिलता है और बैटिंग फ्रेंडली जो है वो ग्राउंड यहाँ पे दिखाई देता है। साथ में जो पिच है ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बाउंस ऑफर करता है, साथ में पेस भी जो है काफ़ी अच्छा ऑफर करता है। और मुंबई के पिच जो है आपको पता है कि टिपिकली जो है कैसा होता है, तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही आइडियली है कि एक अच्छा सा जो है स्कोर आपको देखने को मिलेगा। जो कि हम लोग आगे जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट के जो रिसेंट के 2 T20 मैचेज यहाँ पे हुए हैं वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे हुआ था, और ये देखोगे ज़्यादा नहीं दिसंबर में जो है वो मैचेज यहाँ पे हुआ था 2022 में, और देखोगे तो 187 रन जो है ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, 187 रन जो है इंडिया ने बना के यहाँ पे जो है वो टाई कर लिया था। अब देखोगे 187 रन वुमेन्स के मैचेज में जो है वो बनना बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्कोरिंग मैसेज जो है दिखाता है यहाँ पे। उसके बाद भी देखोगे जो दूसरा मैच था उसमें जो देखोगे तो इसमें 175 बना था और 172 बना था, 173 बना के जो है ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया और भी 1 विकेट के जो है नुकसान पे। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही हाईली जो है वो स्कोरिंग यहाँ पे मैचेज आपको देखने को मिलता है, और ये चीज़ें जो है आपको वुमेन्स IPL में भी जो है वो देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी अच्छा फेवरेबल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे बैटिंग के लिहाज से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो बाउंड्रीज एरिया जो है वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहता है, लेकिन हाँ नॉर्मल बाउंड्री एरिया यहाँ पर रखा जाएगा। और एक चीज़ और देखोगे तो यहाँ पर आउटफील्ड जो है वो बहुत ही तेज़ आपको देखने को मिलता है, तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से है यहाँ पे हो सकता है, तो अभी के जो रिसेंट 2 मैचेज हुए आप देखोगे दोनों जो है वो सेकेंड बैट जीता है, 1 मैच हालांकि टाई जरूर हुआ था। उसके अलावा फर्स्ट बैट एवरेज देखोगे तो यहाँ पे 180 है जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एवरेज हाईएस्ट देखोगे ना यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का जो है 187 है। डोमेस्टिक मैच अभी जो है वो कोई यहाँ पे हुआ नहीं है वुमेन्स का, तो अब जैसे जैसे होगा तो एक डाटा जो है आपको मिलता जाएगा। उसके बाद जब 2-3 मैचेज हो जाएगा तो मैं टोटल यहाँ पे 11 मैचेज होने वाला है, तो एक जो है और वीडियो जो है बाद में बनाऊंगा मैं इसके लिए। इसके अलावा आप देखोगे स्कोरिंग पैटर्न तो दोनों में जो है 170 से ऊपर रन जो है अभी बना है यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं जो डोमेस्टिक मैसेज यहाँ पे होगा वो किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि प्लेइंग 11 जो है एक बार एनालिसिस देख लेते हैं, तो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो प्लेइंग 11 है ये अभी आपको जो है ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको एक अच्छा सीनरी जो है वो देखने को मिले। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है एक एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले हम गुजरात की तरफ से बात करते हैं तो आप हेमलता को जो है वो देख सकते हो प्लेइंग 11 में, एसले गार्डन को देख सकते हो, सोफी डंकली को देख सकते हो, इसके अलावा हरनीन देवन, इसके अलावा जो है आपको देंद्रा डॉटिन, और इसके अलावा जो है आप एनाबेल सटरलैंड को देख सकते हो, सुषमा वर्मा, स्नेहा राणा, मानसी जोशी, मोनिका पटेल और तनुजा कनवार जो है आप देख सकते हो। तो ये जो है अभी के ये जो इनका स्क्वाड अवेलेबल है उसमें जो है ये बेस्ट प्लेइंग 11 जो है अभी बन रहा है, और इसके अलावा 1-2 चेंजेस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। मुंबई की बात करते हैं तो आपको जो है अंजनमोत कौर, इसके अलावा जो है हरमनप्रीत कौर, इसके अलावा जो है हार्ले मैथ्यूज को देख सकते हो, इसके अलावा जो है आपको नीलम बिस्ट, नेट सवियर बुरंट, इसके अलावा अमेलिया केर पूजा, इसके अलावा जो है ग्राहम को देख सकते हो, इसके अलावा यशिका भाटिया, इसी रोंग और सोनम यादव को जो है आप देख सकते हो। आप देखोगे तो यहाँ पे जो ना, तो अगर आप मुंबई में देखोगे तो मुंबई में जो है आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा बॉलिंग जो है आपको वीक दिखाई देगा। नहीं मुंबई में आप देखोगे ना तो मुंबई में ऑलराउंडर जो है बहुत ही ज़्यादा है। आप देखोगे मुंबई में जो है ऑलराउंडर की जो है पूरा भरमार है, तो ऑलराउंडर पे जो है पूरा डिपेंडेंस जो है मुंबई का ऑलराउंडर पे रहेगा, इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर देखते हैं कि किस तरीके के जो है आपको देखने को मिल सकता है कि ड्रीम इलेवन जो है वो किस तरीके से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जो है आपको दो जो है ड्रीम इलेवन यहाँ पे दे दिया हूँ, आप इनसे बना सकते हो और बाकी एक ड्रीम इलेवन जो है उसको हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो इस वाले टीम में जो है आपको जो अनमजद कौर हैं इनको जो है वाइस कैप्टन हमने लेके चला है, और ये ड्रीम इलेवन टीम एक ऐसा है जो कि आप देखोगे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टीम है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको या तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा या जो है आपको परफॉर्म करके नहीं देगा, दोनों चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और इसे जो है आप यूज़ कर सकते हो जीएल के लिए। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है, और ये जो है पूरा टीम है जहाँ से आप जो है वो देख सकते हो और बाकी रिकॉर्ड जो हम लोग देखेंगे। अब अनमजद कौर को ही वाइस कैप्टन क्यों रखा गया है, क्योंकि वाइस कैप्टन जो है ऐसे को रखा गया है जो कि परफॉर्म करेगा तो एक अच्छा पॉइंट आपको दे सकता है और नहीं परफॉर्म करेगा तो एक अच्छा पॉइंट नहीं दे सकता। हरमनप्रीत कौर का जो है बॉलिंग का रिकॉर्ड जो है अभी थोड़ा सा जो है वो बॉलिंग अभी नहीं कर रही है, अभी देखना होगा कि बॉलिंग जो है यहाँ पर करती हैं चार ओवर या नहीं करती हैं या दो ओवर तीन ओवर। इसके अलावा जो आप देखोगे तो यहाँ पर बैटिंग जो है इनका काफ़ी अच्छा है, पिछले अभी रिकॉर्ड्स देखोगे ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था वर्ल्ड कप में। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं तो आप देखोगे विकेट कीपर में जो है यहाँ पे एस के भाटिया को लिया गया है, आने वाले टीम में भी आपको एस के भाटिया को लिया गया है, तो ये जो है काफ़ी एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब दोनों टीमों में हम लोग बात करते हैं तो फ़र्क क्या है, तो दोनों टीमों में आप देखोगे ना तो प्लेयर्स जो है वो आपको अलग अलग थोड़ा सा दिखाई देंगे। तो इस वाले टीम को जो है ना आप एक सेफ टीम के तरफ पर जो है आप यूज़ कर सकते हो, तो इसको कोशिश करना है कि आप एक सेफ़ टीम के लिए जो है वो यूज़ करो जहाँ पे आप जो है सेवन मेंबर से नीचे की टीमें जो है खेल रहे हो, जहाँ पे आपको एक सेफ टीम के जो है चाहिए, और ये जो है आप मिनी जीएल या फिर जीएल के लिए जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब एक बार जो हम लोग आगे देख लेते हैं तो आगे यहाँ पे जब चीज़ देखते हो कि ग्रैंड लीग के लिए जो हम लोग एक टीम जो है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, तो इसमें देखोगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले वाइस कैप्टन का जो है कुछ रिकॉर्ड देख लेते हैं हम लोग। देखोगे अमेलिया केर को जो यहाँ पे कैप्टन रखा गया है, तो कैप्टन के तौर पर आप इसलिए रखा गया है कि आप देखोगे ना तो पिछले अगर पाँच मैचेज इनके देखो तो पाँच मैचेज में आप देखोगे तो बैटिंग का रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा सा आपको नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन बॉलिंग का देखो तो बॉलिंग में जो है दो विकेट है, तीन विकेट है, इसके अलावा एक विकेट है, दो विकेट है, और यहाँ पर जो है जीरो विकेट है। तो अगर इस मैच में जो है आपको यहाँ पे एक दो विकेट भी जो है वो मिल जाता है तो ये जो है 50-60 पॉइंट जो है आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और साथ में जिस तरह का ग्राउंड है वहाँ पे आप देखोगे तो बैटिंग के लिए एक अच्छा ग्राउंड है, तो उस हिसाब से अगर बैटिंग भी यहाँ पे अच्छा मिल जाता है तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने टीम बनाया है हरमनप्रीत कौर को जो है वाइस कैप्टन रखा है, तो इनका अगर देखोगे पिछले पाँच मैचों का रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा जो है आपको दिखाई देगा, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा जो है हाईली है, लेकिन हाँ एक अच्छा जो है वो दिखाई देगा। इसके अलावा देखते हैं हेली मैथ्यूज़ को, तो हेली मैथ्यूज़ को जो है आप यहाँ पे लेकर चल सकते हो, तो हेली मैथ्यूज़ को जो है आप कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हो, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी आप देखो पिछले पाँच मैचों का तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, एक मैच में जो है वो सिर्फ जो है वो डबल डिजिट से कम रन है, बाकी में देखोगे तो बहुत ही अच्छा जो है आपको स्कोर देखने को मिलेगा, तो ये सीनरी जो है आप पिक कर सकते हो। इसी अलावा जो हमने एसले गार्डन को भी देखोगे तो एसले गार्डन का जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे जो आप देखोगे ना पिछले पाँच मैचों में एक अच्छा स्कोरिंग तो है पिछले अगर दो तीन मैचों में देखा जाए, लेकिन दो मैचों में जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। इसके अलावा बुथ मेलनी का देखोगे तो बुथ मेलनी का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप इनको भी जो है पिक करके चल सकते हो। हरलिन देवल की बात करते हैं तो हरलिन देवल का जो परफॉर्मेंस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस रहता है, तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा आपको तो चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आप जो है टीम जो है अच्छा परफॉर्म कर लेगा। तो इस सिनेरियो में जो है ये टीम जो है बनाया गया है, और इसी की टीम के साथ जो है आप जीएल खेल सकते हो, बाकी एक टीम जो मैंने पहले प्रोवाइड किया है उसके साथ भी जो है आप जा सकते हो। तो इसे इसका जो है आपको ध्यान रखना है कि आप किसी में भी खेल रहे हो एक अच्छा सा जो है परफॉर्मेंस लेवल को जो है आप सेलेक्ट करके जो है वो जाना, तो ये सिनेरियो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब अगर अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि आप जो है विनर सेशन इंडिया में बहुत इस तरीके से प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जब वहाँ पे आपको जुड़ जाना है, साथ में टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, टोल नोटिफिकेशन सर्च करके आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ड्रीम इलेवन के लिए जुड़ रहे हो तो ये वाला डिटेल्स पे जो है आप जुड़ सकते हो जहाँ से जो है आपको ड्रीम इलेवन के लिए जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो ये सीनरी जो है आपको रहने वाला है। तो होप्स की वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ना, वीडियो को लाइक करें ना, और मिलते हैं आप सब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।